जनसत्ता दल के मुखिया राजा भैया ने शीतला धाम में टेका माथा। उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में 17वीं लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर बार की तरह इस बार भी चुनाव में उम्मीदवार और पार्टी नेता जीत के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। पहले की तरह अब की मर्तबा चुनाव में पैम्पलेट, बैनर और पोस्टर तो नहीं दिखाई पड़ रहे, लेकिन इस मर्तबा सोशल मीडिया को हथियार बनाया जा रहा है। साथ ही देवस्थलों पर पहुंचकर विजय प्राप्त करने की दुआ मांगी जा रही है। मंगलवार को जनसत्ता दल के मुखिया और पूर्व कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया कौशाम्बी पहुंचे। उनके साथ पार्टी उम्मीदवार पूर्व सांसद शैलेंद्र कुमार भी थे। कौशाम्बी में सबसे पहले वह शीतला धाम पहुंचे, जहां पर मां शीतला के दरबार पर मत्था टेका और मां से प्रत्याशी की जीत का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद वह कड़ा स्थित ख्वाजा कड़क शाह की मजार पहुंचे और चादर चढ़ाई। बाद में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित किया। पहले मतदाता के घर पहुंच शुरू करते थे प्रचार, अब की मर्तबा चुनाव प्रचार का ट्रेंड पूरी तरह से बदल चुका है। पहले प्रत्याशी घोषित होने के बाद मतदाता के घर पहुंचकर चुनाव प्रचार करते थे, लेकिन 17वीं लोकसभा के चुनाव में इस मर्तबा उम्मीदवार देवस्थल पहुंचकर चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं। चाहे वह भाजपा उम्मीदवार सांसद विनोद सोनकर या फिर जनसत्ता के उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार। पेश है कौशाम्बी के संवाददाता राम किशन की एक खास रिपोर्ट। किस पार्टी के प्रवक्ता क्या कहते हैं, न ये सुनने की हमारे पास फुर्सत है और न कोई रुचि है। देखिए, कौशाम्बी लोकसभा के अंदर इस पार्टी ने जन्म लिया है, जनसत्ता दल। जनसत्ता दल कौशाम्बी के सम्मानित नागरिकों के भरोसे और प्रतापगढ़ के सम्मानित नागरिकों के भरोसे चुनाव लड़ रही। यहाँ से कौशाम्बी से शैलेंद्र जी हैं प्रत्याशी और प्रतापगढ़ से अक्षय प्रताप सिंह। अच्छा, एक जनप्रतिनिधि को जीतने के बाद सबसे ज़रूरी है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे, जो उसको एक सांसद के रूप में मिलती है, और जनता के बीच में उपस्थित रहे, हर दुख सुख में, हर समस्या में वो निदान करने का प्रयास करे। ये हमारी पार्टी के मुख्य मुद्दे हैं। और आजकल आप देखते होंगे टीवी पे डिबेट हो रहा है, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। इससे जनता की कोई भलाई नहीं है। जनता की भलाई जनता के बीच में रह करके उनके बीच में काम करके होती है। अभी सपा प्रत्याशी आपके बाबागंज में एक सभा में कहा कि पूरा देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन बाबागंज कुंडा भी आज़ाद नहीं हुआ, ऐसा कुछ है? इसके लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं, बाबागंज कुंडा आइए और देखिए। इससे पहले एक सवाल ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि हमको सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा के हम प्रवक्ता नहीं हैं। वो क्या कह रहे हैं उसका मतलब उनसे पूछिए। हम जो कह रहे हैं हम उसका मतलब जानते हैं। भारत में रहने वाले हर नागरिक को मौलिक अधिकार, सबके साथ समानता का व्यवहार हो, किसी का शोषण ना हो, और जनप्रतिनिधि जनता की सेवा के लिए जनता के बीच में हमेशा उपस्थित रहे और सुख दुख बांटने का काम करें, जहां जात पात का कोई भेदभाव ना हो। ये हमारे दल जनसत्ता दल का मूल सिद्धांत है। अब उनसे क्या, कौन प्रवक्ता क्या कह रहा है, उसके ना हम जिम्मेदार हैं, ना हमको कोई जानकारी, ना हमें फुर्सत। पार्टी अभी कितने प्रत्याशी और घोषित करने वाली है? अब देखिए, एक तो समय कम है, मुख्य लक्ष्य हमारा 2022 का असेंबली का चुनाव है। अभी करीब 10 से 15 दिन पहले चुनाव निशान आवंटित हुआ है फुटबॉल प्लेयर, फुटबॉल खेलता हुआ खिलाड़ी, तो अगर समय होगा तो ज़रूर और जगह घोषित किया जाएगा। कई ज़िलों से आ रहे हैं लोग जो चाहते हैं, एक से अधिक आवेदन वहां से प्राप्त हुए हैं, जो लोग संसदीय चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस पर कार्यकारिणी बैठेगी और जल्दी ही निर्णय किया।